नमस्कार, मैं रूपा मौर्य। आज मैं सिखा रही हूँ मुंबई का फेमस वड़ा पाव। आज चाटकिंग छुट्टी पे हैं, वो बाहर के मास्टर शेफ हैं, मैं यहाँ के मास्टर शेफ हूँ। आज मैं उनके बिना सिखा रही हूँ, आज उनको भी मैं ही सिखाऊंगी आज वड़ा पाव बनाना। आज शुरू करते हैं। क्या बना रही हो आज? वड़ा पाव। आप सो रहे थे ना, आप जाके सोइए जाके। आज हम जा रहे हैं वड़ा पाव बनाने के लिए। बना लोगी? हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, आज बनाओ। चलो ठीक है, हम खाएंगे। आप राल कॉफी के मास्टर शेफ हैं, हम घर के मास्टर शेफ हैं। सारे मुंबई तो आज बताते हैं लोगों को वड़ा पाव बताना। मुंबई का फेमस वड़ा पाव। समोसे बना दी थी वहाँ महाराष्ट्र में, समोसे वाली भाभी है, वड़ा पाव बना तो समोसे भी बनाते हैं, वड़ा पाव भी बनाते हैं। मसाले में क्या क्या डालोगी इसमें? तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है ऐसा। ये अदरक लहसुन और बस हरी मिर्च का पेस्ट है जी। पीली सरसों है, और पीली सरसों ना मिले तो काली सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं पीला हो ऐसा। ये हल्दी है ना, करी पत्ता है। एक बिना करी पत्ता के वड़ा पाव नहीं बनता है। ये ऐसा करी पत्ता है, ऐसा टेस्ट बढ़ जाता है जी। इसके बिना वड़ा पाव नहीं होता है, इसके जरूरी जरूर चाहिए। अच्छा, ये नमक है जी, नमक। बेसन का पेस्ट बना लिया जी। बेसन का पेस्ट इतना जो होना चाहिए ना, जैसे मोटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए। अच्छा, बेसन फेट के जो है एक घंटा रखा है। हाँ, हमने तो रखा है तो ये कर रहे थे जी, ये कर रहे थे। एक घंटा नहीं तो 10 मिनट जरूर, नहीं तो रोड़ी होता है। हाँ, तो इसमें पेस्ट करके रख लेना चाहिए। अब हम जा रहे हैं कढ़ाई में पेस्ट डालने। तेल गरम हो गया, तेल गरम हो गया जी। चलो देखते हैं। सौ ग्राम रख लीजिए, 4 लोगों की रेसिपी है। 4 लोगों के लिए 1/2 किलो आलू ऐसा। और हम लोग तो जल्दी यही तौल नाप यही है, कभी जल्दी तौले नहीं। आज पहली बार हम कंडेंसर में बनाने जा रहे हैं, ये हमको चलाने नहीं आता। इंडक्शन है। पाँच का नाम ही नहीं ले पा रहे थे। 5 ग्राम करी पत्ता रख लीजिए, नमक स्वाद अनुसार डालिए जितना भी आपको चाहिए। हल्दी भी बस चुटकी भर नमक हल्दी चाहिए। खुशबू बड़ी जानदार आ गई है। मसाला भून रहा है अभी। अब आलू उबाल के, आलू उबाल लीजिए इसे। 4 लोगों के लिए 1/2 किलो आलू प्रॉफिट होता है। इसमें कम से कम 15-20 बन सकते हैं। उबाल के मैश करके रख दीजिए, फिर बनाए किधर भी नहीं तो ठंडा हो जाता है, कड़क हो जाता है, सख्त हो जाता है। अभी इसमें डाल रहे हैं आलू, अभी खा के देखेंगे। ये बन गया है। अब इसको हिलाते रहिए और इसको अच्छे से मैश हो जाए, इसके लिए अच्छे से हिलाते रहिए कि चिपके ना। कढ़ाई में चिपके ना, और थोड़ा हो जाए, हो सके तो इसको लोहे के कढ़ाई में ज्यादा करिए। गैस पे तो ज्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि इसको लोहे के कढ़ाई में थोड़ा भून के थोड़ा आलू लाल हो जाता है, तो कुरकुरापन आ जाता है, तो और भी अच्छा होता है। हाँ, ये देखिए फ्राई हो चुका है अभी। इसमें देखिए थोड़ा कुरकुरापन आ चुका है, पूरा जो इसका कच्चापन है आलू का पूरा खत्म हो चुका है। और चाहे तो इससे थोड़ा और भी बढ़िया भून सकते हैं अच्छे से। जितना अच्छे से भुनेगी आलू उतना अच्छे से बढ़िया पाव अच्छा बनेगा बढ़िया से। हाँ, अब इसको हम थोड़ा बाउल में ले रहे हैं। बिजली वाला चूल्हा। कितना लीटर तेल में? जीशान, तुम तो नवाब से मिलने जा रहे थे, कब जाओगे? अच्छा, नवाब साहब का तो वेज खाने की दिल कर रह गया। अच्छा, नॉन वेज। उनको वड़ा पाव खिलाओ, नॉनवेज भूल जाएंगे। हाँ, उनको बोलो वड़ा पाव खाएं। नवाब साहब, लखनऊ के नवाब साहब वड़ा पाव खाएंगे तो भूल जाएंगे। हम भी देखेंगे, हम देखेंगे ना एक बार वड़ा पाव खिला दो। अच्छा चलो ठीक, अगर समय मिला तो हम भी जाएंगे एक दिन नवाब साहब से मिलने के लिए। हाँ, जब तुम वीडियो डालोगे अपने चैनल पे ना तो हम डालेंगे, हम देखेंगे तुम्हारा वीडियो। अब इसकी ऐसे छोटी छोटी से ऐसे लेई बना लीजिए, बस इतना। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो सर ऐसा, बस इतनी सी, बस ऐसा, बस इतना सा। ज़्यादा बनाएंगे तो पेस्ट जब लगेगा तो ऐसा बहुत बड़ा शेप आ जाएगा ऐसा। तो छोटा सा ऐसा रखिए, साइज छोटा है। हाँ, अभी मिर्ची फ्राई करने जा रहे हैं कि पाव के साथ खाने के लिए। हुआ नहीं तेल, अभी थोड़ा हो जाने दो, थोड़ा गर्म हो जाने दो। हरी मिर्च याद रखिए, तेल में डालते समय तो थोड़ा सा चाकू से चीरा जरूर लगने, नहीं चटकने का डर रहता है। तो इसको हम ऐसे डाल ले थोड़ा सा, तो इसको पाव के साथ खाने के लिए। वड़ा पाव तो बहुत मशहूर है। लो आराम से, ये मिर्ची फ्राई हो गई है वड़े पाव के साथ में। अब इस पर थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, है ना, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये
ये लीजिए वड़ा पाव, कढ़ाई में भरने के लिए रेडी है। को बस ऐसे पकड़िए और यूं करके बस ऐसे डाल। हाँ ये देखिए अब ऐसे ब्राउन कलर का पूरा हो गया है, अबे पक गया है समझ लो, ऐसा हाफ फ्राई हो चुका है। पहली बार लाइफ में बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है ना, हमको लग रहा है ना। ये कढ़ाई जो पहली बार हम ये बिजली वाले कभी लाइफ में नहीं बनाया है तो इसलिए भी सीख जाएंगे, इससे बढ़िया बनते हैं लेकिन ज़्यादा कुरकुरे हो रहे हैं है ना। अभी दो चार बार बनाएंगे इसके ऊपर सीख जाएंगे, अभी इसका ताव नहीं मालूम पड़ता। हम लोग कोयले की भट्टी होती, गैस की भट्टी होती या गैस वाला होता तो फटाफट बना लेते थे। लाओ निकालो जरा देखें, हम दो मिनट ठहरिए थोड़ा। अच्छा, लाल हो गया। विशेष बात क्या है कि जो चूड़ा है ना, ये चूड़े की जो है इसकी सूखी चटनी बना लो। ये देखो इसको वेस्ट नहीं करने का। ये जो चूड़ा इसका निकलता है इसमें लहसुन है और मिर्च है और इसके साथ ये सूखी चटनी बन गई जैसे की चूड़े की, चूड़ा बेसन नहीं होता। जैसे बनाइए और उसमें ये साइड में ये देखिए, ये साइड में हमेशा ये छोटा छोटा सा ऐसे आ जाता है, तो इसको बस आराम से जब पूरा तैयार हो जाए तो इसको अलग कर लीजिए, फेंकिए मत इसको। फ्राई हो चुका है ये इसको ये इधर रख दिया और तुम जरा अब गर्मा गर्म बड़े बन के तैयार है। ये बड़ा कैसे इस पर रखने जरूरत नहीं थी, वैसे हम बताते हैं। अब ये बड़े को हम रख दिया, ये हरी मिर्च लिया इधर रख दिया और ये सूखी वाली चटनी लिया और देसी फंटा है इसको हाथ से फाड़ो और पाव घुसाओ यो। अब ये लो थोड़ा क्या है कमी है भाई, पूरे महाराष्ट्र फेमस है। फिर जो है थोड़ा मेरा पतला हो गया था और ये चूल्हा जो है नया है तो इसमें भी जो बेस आना चाहिए बड़े का गुब्बारे तरह फूलता ना, ये ज्यादा करके अच्छे से गैस के ऊपर ज्यादा अच्छा होता है। लोहे की कढ़ाई में सही होता है ये सबसे अच्छा। इसको लोहे की कढ़ाई में आप बनाइए तो सबसे अच्छा होता है। चिपक गया था देखो थोड़ा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं है लेकिन जो बेसन थोड़ा सा मोटा करो, ये थोड़ा सा पतला हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोगों से गलतियां नहीं होती, होती है उसको सुधार लेंगे अगले राउंड में, इससे लल्लन टाप बनाएंगे। ये पतला हो गया थोड़ा सा इसलिए जो है उसमें चपक रहा है, कढ़ाई की भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ये सूखी चटनी जो कढ़ाई का पाव का चूड़ा निकला था उसको यूं लगाओ, इसके अंदर भी लगा सकते हैं। देखो पाव भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से अच्छा पाव मिल गया। तुम जरा ठाक बता देना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं भी आ गई हूँ मौर्य सर की किचन में, बड़ा पाव टेस्ट करके बताऊंगी। सर ने तो टेस्ट कर लिया है, आपको बताया भी कैसा है, अब मेरी बारी है। तो पाव को मैंने सर मैंने खाया है पर मैम के हाथ का आज मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी बड़ा पाव। ठीक है, तो ये जो बटाटा बड़ा है इसको मैं इसमें स्टफ करूंगी है ना, इसके अंदर रखूंगी और ये इसकी चटनी है देखो। यस, इसमें ये गार्लिक फ्लेवर है इसमें और मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ और ये तली हुई मिर्च अगर चाहिए तो जरूरत काट लेना। जो बड़ा है तुम भी खाएंगे, ये बहुत क्रिस्पी है, इसमें करी लीव्स का बहुत अच्छे से फ्लेवर आ रहा है, देन जो गार्लिक पाउडर बनाया मैम ने इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी और हो सकता था, बस टू गुड, नाइस। ज्यादा गोल नहीं बन पाया लेकिन है जबरदस्त, गोल के चक्कर में कढ़ाई का ये दिक्कत थी उसमें, लेकिन है बहुत जानदार कुरकुरा है। पूना में सब गोल बनाते, बढ़िया बना लेते हैं और भी अच्छा बनाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो वहाँ का रेसिपी है, उनको वो प्रोफेशनल है। ये उम्मीद है कि ये मुंबई जैसा टेस्ट होगा, लेट्स हैव ट्राई। लेकिन जब मैम बना रही थी मिस चाट किंग तो मुझे लग रहा था इतनी सारी मिर्च डाल ली कहीं बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो जाए कि सुबह दिक्कत हो हम लोग को। सुबह दिक्कत तो नहीं होगी? अरे नहीं,
पक्का ना, सोच लीजिए 100% यार 100%। भैया अगर दिक्कत होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम तो एक ही लिया, हम तो दूसरा खत्म कर दिया। हाँ। दूसरा लेने वाले। चलिए मैं ट्राई करके बताता हूँ, मैं एकदम फैक्ट बताता हूँ, मैं अपने चैनल पे एकदम जो सही बात होती है मैं वही बताता हूँ। तो हम भी वही करते हैं और रेटिंग भी वही बताऊंगा। कोई तारीफ नहीं, अभी तक गलती कहाँ से हुई? गलती नहीं, कभी लाइफ में चूल्हे पे मैंने नहीं बनाया। अच्छा, इसका टेम्परेचर ही नहीं मालूम। ओके, है ना, इसलिए खुला नहीं, खुला नहीं। एक्चुअली ये बनता है लोहे की कढ़ाई पे और ये जो नॉन स्टिक कढ़ाई होती है इस पे बनाया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पतला हो गया है। वरना मुंबई की जो वड़ा पाव होते तो वो गोल गोल होते हैं। बना दो यार, मैं बता रहा हूं, जानदार बना दे, ट्राई करता हूं। वाह, ये मिर्च नरो है, पूरी मुंबई की याद दिला दी। इतना बढ़िया है कि सब पानी पानी आ जाएगा, नाक से भी आएगा, मुंह से भी आएगा। ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं। चलो वीडियो खत्म करते हैं, अगली बार हम लोग मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।